तो ये जो ब्रिज मैं क्रॉस कर रहा हूँ उसके ठीक सामने आपका पाकिस्तान था और पीछे की तरफ आपका हिंदुस्तान था। आप पाकिस्तानी थे लेकिन आज आप हिंदुस्तानी बन गए। इस समय मैं आपका भारत से पहुंच गया हूँ बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान बोलते हैं। और ये कभी पाकिस्तान के अंदर हुआ करता था बल्तिस्तान। हम सोचे कब मरेंगे कब जिएंगे ऊपर वाले को। पाकिस्तान के इस पड़ोसी गाँव के लोग इंडियन आर्मी के बारे में ऐसा क्यों सोचते? तो इंडियन आर्मी से डर कर यहाँ के सारे लोग ना पूरा गाँव छोड़कर पाकिस्तान में आ गए थे। एरिया जो है बल्तिस्तान में है, ये एरिया कभी पाकिस्तान ने पूरा कैप्चर कर रखा था। इसी पुल के ऊपर इंडियन आर्मी और पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था बल्तिस्तान की, ये फेमस डिश ट्राई कर रहे हैं। ये नदी आपको मेरे पीछे दिख रही है, ये भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री थी। यहाँ से हिंदुस्तानी आर्मी पाकिस्तानी आर्मी पर नजर रखती थी और कि भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री थी वो ये शोक रिवर थी। इसी ट्रैक में हमने अपने रात को पावर बैंक चार्ज लगाए थे। टाइम हो रहा है 5:30 और सुबह सुबह भाई ये है यहाँ के नजारे। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। कल की रात जो हमने गुजारी थी वो गुजारी थी खुले आसमान के नीचे, वहाँ चार्जिंग में लगाया ट्रक के अंदर सारा सामान, और खाना खाया था हमने इधर ये मशीन वाले घर के अंदर, क्योंकि हमें जब यहाँ से निकल रहे थे रात हो गई थी काफी यहाँ पे, तो हमने यहीं पर कैंपिंग के लिए पता करा। तो भैया ने बोला कि यार आप एक काम करो हमारे साथ ही सो जाओ, ये एक आर्मी का बंकर है यहाँ, अगर आपको बंकर में सोना है बंकर में सो जाओ। आपको बंकर दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, मैं आपको बंकर भी दिखाता हूँ। सच में आज से पहले भी बंकर देखा नहीं होगा, मुझे इतना पता ही है। अभी जो पिछले वाले ब्लॉग में आपको बंकर दिखाए थे वो अलग टाइप के बंकर थे, और ये वाला बंकर बिल्कुल डिफरेंट टाइप का। देखो अभी इस बंकर के अंदर आपको थोड़ी देर में लेके जाऊंगा आपकी इंडियन आर्मी का जो बंकर है वो कैसा होता है, क्योंकि ये जो लोकेशन है ना जहाँ पे मैं इस समय हूँ ये आपका कभी हिंदुस्तान का बॉर्डर हुआ करता था। सामने आपको दिख रहा है ये पुल, चुलंखा पुल दिख रहा है, इसी पुल के ऊपर इंडियन आर्मी और पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था ना उसके बारे में पूरी कहानी लिखी गई है, आगे बोर्ड है। कल की रात हमने यहीं गुजार ली थी। ये वाला जो सामने टेंट है इसके अंदर हमने खाना खाया था, और अभी सुबह सुबह 5:30 बजे मैं तो उठ के तैयार हो गया हूँ, और हमारे सारे भाई लोग देखे सोए भैया अपने अपने स्लीपिंग बैग के अंदर। मुझे आज विश्वास हो गया कि लद्दाख में अब ठंड के जमाने चले गए। कभी एक जमाना हुआ करता था कि जब लद्दाख में ना दिन के टाइम में भी जैकेट पहन के घूमना पड़ता था, लेकिन अब तो ये पूरी रात ना खुले आसमान के नीचे सामने इतने बड़े बड़े पहाड़ों के नीचे हम बाहर सो गए भाई, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मैं आपको ना इस जगह की वैल्यू बताता हूँ। 1971 में जब वॉर हुआ था ना, इंडियन आर्मी ने अपना परमानेंट बंकर यहाँ बनाया था। इंडियन आर्मी यहाँ पे इतनी तादाद में रहती नहीं थी, जिसका फायदा आपका पाकिस्तान की आर्मी ने उठाने का सोचा, जाकर उन्होंने सोचा कि इस ब्रिज को हम कैप्चर कर लेंगे। तो भाई मेरे पीछे आपको एक पुल दिखाई दे रहा होगा, ये है आपका चोलंका। अब चोलंका जो गाँव है वो कभी इंडिया में हुआ करता था, जिसको धोखे से पाकिस्तान ने कब्जा लिया, और कब्जाने के बाद वो चाहता था कि इसके बाद भी जो गांव है जैसे बोगदांग गांव है जहां कर हमने रुककर नाश्ता किया था उसको भी वो अपने कब्जे में ले ले, और ये जो ब्रिज है आपका चुलंका ब्रिज इसको वो पूरा कैप्चर कर ले ताकि इंडियन आर्मी दोबारा अपने गाँव कभी छुड़वा ना पाए। ये सपना देखकर वो इतना अंदर घुस गए थे किलोमीटर से किलोमीटर, लेकिन इंडियन आर्मी को जब पता चला चुलंका ब्रिज से पीछे भगाया, ऊपर से पाकिस्तान को जो गांव मिले थे तुरतुक त्यागसी तांग और एक दो गांव के नाम और है, वो गांव भी पाकिस्तान से छीन लिए। देखे मुंह में रोटी होती है और पानी में अपने आप को देखता है तो वो उस रोटी को भी खाना चाहता है, और वो मुंह खोलता है तो अपने मुंह की रोटी भी पानी में गिरा देता है। तो वही हाल पाकिस्तान का है। मैं बिल्कुल पाकिस्तान को एक कुत्ते से संबोधित कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी हरकतें बिल्कुल हमेशा ऐसी रहती है। अब मैं आपको बताऊंगा ये जो एरिया है ना पूरा, यहाँ पे आर्मी ने अपने रियल बंकर बनाए थे, वो वाले बंकर जिनके अंदर से वो युद्ध भी लड़ती थी, कि वो लोहे के होते हैं ताकि उनके अंदर कोई बॉम्ब कोई गोली इनका भी कोई असर ना हो। अब मैं आपको वो सारे बंकर दिखा रहा हूँ, और इन बंकर को अगर आप ऊपर से देखेंगे ना तो कोई भैया किसी भी तरीके से रोड में चलता हुआ आदमी इन बंकरों को पहचान नहीं सकता। क्या ऐसा लगता है कि बस खाली धरती है मतलब, और ये बंकर बनते किस चीज से आपको वो दिखाता हूँ। पत्थर वाले जो बंकर है जहाँ पे जो चेक पोस्ट वाले बंकर वो तो पत्थर से बन जाते हैं वो तो दिखते हैं, लेकिन ये वाले बंकर इनके अंदर रात भर दिन भर रहकर लड़ाई लड़ी जाती है। आखिर ये बंकर आखिर बनते किस चीज के हैं और कैसे होते हैं अंदर से आपको वो दिखाता हूँ। तो चलते हैं बंकर के अंदर की तरफ। बंकर के बाहर की अगर आप देखोगे ना आकार, आप बंकर में देखोगे ये जो आपके आपने देखे पहले डीजल पेट्रोल के डब्बे आते थे इस तरीके से स्टील के, इन डब्बों से ये पूरा बंकर बनाया गया है, और इसके अंदर पूरी रेत भरी हुई है ताकि किसी भी प्रकार का गोली वोली ऐसे बॉम्ब वोम से ना फर्क ना पड़े। ये देखो आपने रेल की पटरी वाला ट्रैक देखा है, रेल की पटरी का जो लोहा होता है ना वो बिल्कुल उस वाले लोहे से इसकी पूरी छत बनाई गई है। देखो ये वैसे कल की रात पहले मैं इस बंकर के अंदर बिताने वाला था, बट इसके अंदर ना एक अजीब सी स्मेल आ रही थी, और क्योंकि यहाँ पे ना भाई साहब बता रहे थे कि चूहे बहुत बड़े बड़े चूहे होते हैं, यहाँ के चूहे ना खरगोशों से बड़े होते हैं, इतने बड़े बड़े पूछो वाले। तो भैया ने बोला कि आप हमारे साथ बाहर वाले रूम में सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, वरना मेरे ट्रक में सो जाओ। तो भाई देखो
बंकर अंदर से दिखते कैसे हैं। बंकर के अंदर की जो दीवार है ना, जैसे पत्थर की अमूमन से दीवारें होती है, लेकिन यहाँ पत्थर की दीवारें कम, यहाँ ऐसे बड़े बड़े ये लोहे के ना बॉक्सर्स दीवार बनाई गई है कि इंडियन आर्मी ने इस तरीके से यहाँ से चुलंका ब्रिज पे लड़ाई लड़ी थी। पूरी दीवारों में ना बस ये लोहे के बॉक्स लगे हुए हैं, इन बॉक्सों के अंदर रेत भरा हुआ है। टाइम हो चुका है 6:43 और भैया लोग भी उठ गए। गुड मॉर्निंग भैया। तो भैया जी भी उठ गए, ट्रैक वाले भैया जिन्होंने हमारा फोन चार्जिंग और खाने पीने की कल व्यवस्था करी थी। इसी ट्रैक में हमने अपने रात को पावर बैंक चार्ज लगाए थे। मैं आ चुका हूँ सुबह सुबह ट्रक के अंदर, मैं इस ट्रक को चलाने वाला नहीं। भैया जी क्या है, तो भैया ने बोला कि आप एक काम करो, अपने कैमरे की बैटरी वैटरी चार्ज पे लगा लो। पावर बैंक पूरा एकदम फुल हो चुका है। अगर आज मुझे लाइट रात को लाइट ना भी मिले ना, तो भी मेरा काम चल जाएगा। देखो भाई चलो, ट्रक वाले भैया तो निकल गए, कल रात उन्होंने बहुत हेल्प करी हमारी। अब हम क्या करते हैं, अब हम भी अपना सामान वामान पैक करते हैं और यहाँ से आगे निकलते हैं चुलंका गांव, जो कभी पाकिस्तान के पास था और बाद में इंडिया ने कब्जा लिया। उसके बाद जो आगे के जो गांव है तुरतुक गांव, और तुरतुक की हिस्ट्री आपको बताऊंगा आखिर क्यों तुरतुक एक ट्रेड सेंटर था। वहाँ रोम फ्रांस और चाइना के से वहाँ व्यापार होता था पहले। यहाँ से रास्ता था चाइना रोम फ्रांस का, वो सारे रास्ते अब तो बंद हो गए हैं फिलहाल। फिलहाल एक काम करते हैं, ये सारा सामान पैक करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। आपका इस वॉर जोन जो था ना, जो कभी पाकिस्तान इंडिया का जो वॉर जोन रहा था, अब यहाँ से आगे निकलने का। ये जो नदी आपको मेरे पीछे दिख रही है, अभी मैं आपको बाइक से दिखाऊंगा, इस नदी के पार पूरा पाकिस्तान था। तो अब बस 5 कदम की दूरी पे यहाँ से पाकिस्तान है, फिर निकलते हैं। मतलब वो पाकिस्तान जो सन 1971 का पाकिस्तान था, 1971 के बाद वो सब कुछ अब हिंदुस्तान बदल गया है। तो आप लोग सभी लोग देखने के लिए एक्साइटेड है ना, हमारी इंडियन आर्मी ने अपनी खून की बाजी लगाई थी उन 5 गांव को निकालने के लिए। तो उन 5 गांव में मैं आपको लेके चल रहा हूँ। तो सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में भारत माता की जय और जय हिंद लिख देना। अब चलते हैं यहाँ से सीधे आगे अपने गांव में, मतलब हमारे भारत में। अभी तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पूरा पड़ा है, मतलब जो गिलगित बल्तिस्तान पूरा पड़ा है, वो भी धीरे 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 धीरे। अभी मैं योगी जी का भी जो भाषण सुन रहा था कि बहुत जल्दी सारा कश्मीर इधर को आएगा। तो चलो भैया जी, अब अपनी बाइक पकड़ते हैं और यहाँ से निकलते हैं आगे बल्तिस्तान के लिए। बल्तिस्तान वो एरिया है जिसको आधा पाकिस्तान ने अपने इसमें कब्जे में कर लिया है। क्योंकि आप न्यूज़ देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि बल्तिस्तान में हमेशा पाकिस्तान विरोधी नारे लगते हैं, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सामने जो ब्रिज आ गया है ना आपका चुलंका ब्रिज, इसकी कहानी बहुत लंबी है। इसको लेके ना पाकिस्तान इसको पूरा कैप्चर करके भारत के बहुत सारे गाँव को कब्जा करना चाहता था। मैं आपको दिखाता हूँ इस पुल की कहानी क्या है। सन 1971 से पहले ये जो नदी आपको दिख रही है, ये शोक वैली, ये शोक रिवर, इसके पार पाकिस्तान और इसके इधर आपका हिंदुस्तान था। इधर आपको जितने बंकर थे ना, वो सारे हिंदुस्तान के बंकर थे और उस साइड जो आपके थे वो आपके पाकिस्तान के बंकर थे। 1971 में पाकिस्तान ने इस लालच में कि वो आसपास के जो गांव है बोगदांग जैसे गांव को कब्जा लेगा, उसमें कोशिश करी थी, लेकिन भाई वो कोशिश उसकी बेकार गई और इंडियन आर्मी ने उसे कुत्ता खदेड़ा और उसके बाद उसके भी 5 गांव हासिल करे। और ये पुल भी अभी बिल्कुल दुर्गा ब्रिज की तरह लकड़ी का बना हुआ है। और ये उस समय भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री ये रिवर थी भाई। यहाँ से हिंदुस्तानी आर्मी पाकिस्तानी आर्मी पर नजर रखती थी और इस नदी के पार जो बंकर थे वो आपके पाकिस्तानी बंकर थे। कहने का मतलब है कि भारत और पाकिस्तान की जो आपकी एक बाउंड्री थी वो ये शोक रिवर थी। इसी शोक रिवर को पार करके पाकिस्तान 8-10 किलोमीटर अंदर जो बोगदांग गांव है उसको भी कब्जे में ले लिया था। और दुर्गा ब्रिज तक इंडियन आर्मी ने दुर्गा ब्रिज से उसको खदेड़ खदेड़ कर अपने गांव आजाद करके उसको दोबारा यहां से पीछे भेजा 50 किलोमीटर तक और पाकिस्तान के भी बहुत सारे गांव ले लिए। भारत का हिस्सा था और 5 कदम दूर यहां से पाकिस्तान था। ये नदी आपको मेरे पीछे दिख रही है, ये भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री थी। तो चलो भैया जी, अब अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और इस चुलंका ब्रिज को पार करते हैं और पहुंचते हैं पुराने पाकिस्तान के गांव में। ये पुल आप देख रहे हो ना लकड़ी का, बिल्कुल भाई इतनी आवाज़ कर रहा है ना। आप इस पुल के इस साइड देखो ना, ये रिवर जो बह रही है ये पहले भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री हुआ करती थी और उस पार सामने पाकिस्तान था और इस पार पीछे हिंदुस्तान था। तो सच में आज ना मतलब मैं वो सब चीज़ें फील कर पा रहा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और इस पुल को पार करके 1 मिनट में हम पहुँच जाएंगे पाकिस्तान के अंदर। तो लो जी भैया जी, पाकिस्तान में हो चुकी है एंट्री हमारी, 1971 से पहले का पाकिस्तान। अब इसके बाद आगे जितने भी गांव आएंगे आप समझ लेना कि 1947 का जो हमारा भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था ना, उस टाइम पे आपका ये सारे गांव पाकिस्तान ने कश्मीर में कब्जा लिए थे। बाद में धीरे धीरे पाकिस्तान ने ऐसे छोटे मोटे वॉर जब हुए तब हर बार कुछ ना कुछ गाँव आपके पाकिस्तान से छीन लिए। अभी ये सिलसिला जारी है। अभी अगली बार पाकिस्तान अगर और हरकत ऐसी करेगा दोबारा से घुसपैठ करने की, तो कोशिश तो यही है कि पूरा गिलगित बल्तिस्तान ही कब्जा ले जाएगा। तो भाई आज कम से कम 50 से 55 साल 54 साल पहले ये सब कुछ आपका पाकिस्तान था। आज हम इतने प्यार से इस पाकिस्तान में घुस पा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी वो समय भी आएगा जब हम पूरे
पाकिस्तान में घुस पाएंगे। भाई सामने बोर्ड आया है चुलुंखा गुलाब पोस्ट, चुलुंखा गुलाब पोस्ट यहाँ से आगे ना इधर चुलुंखा गांव है, ये वही चुलुंखा है जहाँ पे एक बार में जब वॉर हुआ था तो इंडियन आर्मी से डर कर यहाँ के सारे लोग ना पूरा गाँव छोड़कर पाकिस्तान में आ गए थे। इसके बारे में मैं आपको इस गाँव में दोबारा ले जाऊंगा। फिलहाल तो आज मैं तुरतुक की तरफ जा रहा हूँ, तुरतुक और त्यागसी जा रहा हूँ। वो उसी तुरतुक में जो कभी पाकिस्तान का पूरा गाँव हुआ करता था, वो वही तुरतुक आपका पाकिस्तान ने छल कपट से इंडिया से ले लिया था, लेकिन आज वो तुरतुक इंडिया में। मैं आपको बता रहा था ना कि ये जो शोक रिवर है ये आपका पाकिस्तान में जाती है। पहले तो ये पाकिस्तान में ही थी, मतलब ये जो पाकिस्तान में बह रही है, लेकिन अब ये हिंदुस्तान है। तो ये अगर आप नदी में घुस जाएंगे ना तो आप पाकिस्तान के अंदर एंट्री कर जाएंगे भाई। तो ये नदी धीरे 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 पाकिस्तान जाती है। पाकिस्तान में खेती बाड़ी लालन पालन, मतलब इंडिया के जो पानी जाता है उसी से होता है। तो हमेशा आपने सुना होगा कि पाकिस्तान कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट देता है कि इंडिया ने हमारा पानी रोक दिया, इंडिया ने हमारा ये रोक दिया। तो भाई वो यही शोक रिवर है जो इंडिया से होते हुए पाकिस्तान जाती है। जब जब पाकिस्तान अपनी कहते हैं काली करतूत करता है, तब तब भैया इंडिया इसका पानी डाइवर्ट करता है और पाकिस्तान को भूखा प्यासा मरने पर मजबूर करता है। हमेशा न्यूज में देखते होगे ना बल्तिस्तान बल्तिस्तान, तो भाई हम इस समय बल्तिस्तान के अंदर ही हैं। सामने लिखा है देखो बल्ती कैफे, तो बल्तिस्तान का ये बल्ती कैफे एंड रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पे कुछ हल्का फुल्का कुछ खाएंगे। तो भाई जी ये पहला स्टॉप लिया है मैंने आपका 10 से 12 किलोमीटर के बाद, बल्तिस्तान पहुँच चुका हूँ। ये कभी पाकिस्तान के अंदर हुआ करता था बल्तिस्तान, लेकिन आज ये बल्तिस्तान आपका इंडिया के अंदर है। तो ये बल्ती कैफे है, बल्ती कैफे एंड रेस्टोरेंट है। तो चलते हैं बल्तिस्तान के इस कैफे रेस्टोरेंट के अंदर, कुछ खाते हैं। और देखो यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है, सामने लिखा हुआ है आपका कश्मीर से कन्याकुमारी भारत इज वन K2 कन्याकुमारी। पहुंच चुके हैं इस बल्ती कैफे में, और बल्ती कैफे में आने के बाद ना सबसे पहले भाई ना मैंने क्या देखा, ये एक साइड से पूरा चार्ट है, मुझे लगा कुछ खाने का आइटम होंगे। सारे देखो मिल्क टी, मसाला टी, जिंजर टी, मिंट टी, मिंट टी, बल्ती टी, बल्तिस्तान टी, जिंजर टी, ये टी, वो टी, वो टी। तो फिर इधर कश्मीरी टी भी है, ठीक है, कश्मीरी कहवा बोलते हैं वो भी है। इस साइड गया ना तो भाई खाने में देखो हर चीज क्या, बल्तिस्तान का जो बल्ती है ना वो लगा हुआ है। बल्ती किसार मसाला, बल्ती केसर एग, बल्ती केसर प्लेन। तो काम करते हैं ये ऑर्डर करते हैं 130 का, बोल रहे कि डोसे चीला की तरह होता है, जो उत्पम होता है ना सेम वैसे ही। तो भाई जी इंतजार हुआ खत्म, बल्तिस्तान की जो डिश थी बल्ती किसार मसाला हमारे सामने आ चुका है। और इसमें ना जैसे सांबर होता है ना सांबर गोले की चटनी, वो वाली चटनी है, और स्पाइसी मोमो की चटनी है सेम वैसी है, बिल्कुल खट्टी मिट्टी। एक टाइप से चीला, चीला या आपके वहाँ कोई डोसा कोई चीला ही, डोसा तो हमारा थोड़ा पतला होता है। हाँ सही सही पतला, मसाला अंदर भरते हैं डोसे के, वो होता है डोसा। इस टाइप का हमारे वहाँ या तो उत्पम होता है या फिर हमारे वहाँ वो होता है चीला होता है, जो बेसन बनाते हैं हम लोग। तो ये बकवीट से बनता है वो। अच्छा मुझे एक चीज ये बताइए कि ये पहले बल्तिस्तान था क्या? जी सर, ये अभी बल्तिस्तान है, अभी भी जो ये एरिया जो है ना बल्तिस्तान में है। हाँ, ये बल्तिस्तान का एरिया है। और मतलब ये बल्तिस्तान के लोगों का फेमस, तो यहाँ का जो लोग है ना लोगों का बोली जो है ना बल्ती बोली जाता है। और ये बल्ती लोग कहाँ के लोग थे पहले? यहाँ से लेके स्कार्दो तक पूरा बल्ती लोग हैं। बल्तिस्तान की ये फेमस डिश ट्राई कर रहे हैं। पहले अभी मैंने इनको बोला कि हम आगे तब ऑर्डर करेंगे, पहले एक पीस ट्राई करेंगे, अगर स्वाद अच्छा रहा तभी हम आगे ट्राई करेंगे, वरना फिर अपन फ्राइड राइस खा लेंगे। हमें पता था कि फ्राइड राइस कैसा होता है। ये चटनी लगा के ये काय का है, आटे का है क्या? बकवीट का सर, ये बकवीट का आटा। मतलब क्या हुआ बकवीट का आटा क्या होता है? ये बकवीट है, ये है बकवीट। ये हमारे यहाँ पे इसी का पैदावार होता है जो अलग। अच्छा जी, हमारे वहाँ जैसे गेहूं होता है ना भाई, वैसे यहाँ बकवीट का आटा बोलते हैं। ये उसके आटे की बनी हुई रोटी है, अंदर से खोखला खोखला टाइप का है। तो चलो भाई आज बल्तिस्तान की डिश ट्राई करते हैं। तो भैया जी आज के ब्लॉग में इतना ही, और कल मिलता हूँ फिर आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। अभी तो आज मैं बलूचिस्तान पहुंच चुका हूँ, बल्तिस्तान उसको बोलते हैं, बल्तिस्तान गिलगित बल्तिस्तान और बल्तिस्तान आजकल बल्ती बोलते हैं। तो आधा बल्तिस्तान आपका पाकिस्तान के अंदर है, आधा बल्तिस्तान हिंदुस्तान के अंदर है। फिलहाल मैं आपका बल्तिस्तान में हूँ, और कल के ब्लॉग में आपको तुरतुक लेके जाऊंगा उस तुरतुक गाँव में, जिस तुरतुक के चक्कर में ही इंडिया पाकिस्तान का हमेशा इतना रगड़ा रहता है, झगड़ा रहता है। आखिर वहाँ के लोग पाकिस्तान के उस 1970 वॉर के बारे में क्या सोचते हैं, और कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी जो उस टाइम वॉर हुई थी, वहाँ के बुजुर्गों से मिलेंगे आखिर हुआ क्या, और क्या अब तुरतुक पाकिस्तान के लोग कैसी सोच रखते हैं इंडिया के लिए या पाकिस्तान के लिए, वो सब कुछ आपको कल के ब्लॉग में बता देगा। तो पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, धूप बहुत तगड़ी हो रही है। तो कल मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग के, तब तक के लिए जय हिंद। इंडियन आर्मी के लिए कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना मत भूलना, कि आज जहाँ मैं खड़ा हूँ ना कभी ये पूरा एरिया पाकिस्तान का हुआ करता था, इस समय मैं आपका बल्तिस्तान के अंदर हूँ। बाय बाय।